हेलो एवरीवन, चलो बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं जो अभी आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। हर एक वीडियो में बहुत बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। बस आपको उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है एंड फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। मैं हर दिन कुछ ना कुछ लॉजिक्स आपको बताने की ट्राई करता हूँ, तो समझ रहे हैं। जस्ट देखो, नॉर्मली यहाँ से एक सेलिंग आया था, दिख रहा है, ये लेवल पे सेलिंग था। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में ये लेवल से जब अगर एक सेलिंग आ चुका है, तो जब भी मार्केट ये लेवल के आसपास जाएगा, तो ऑब्वियस की बात है वहां से सेलिंग आएगा ही आएगा मार्केट में। जो आप नॉर्मली इसको बोलते हैं, आम लैंग्वेज में नॉर्मली सब लोग बोलते हैं उसको डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना। फिर क्या करता है मार्केट, वहां से शार्प सेलिंग करके नीचे आ जाता है। एक बार मार्केट जब नीचे चला आया, अब देखो इसके पास क्या चीज है, यहां से बाइंग अपनी हुआ था, यहां तक पहुंचा और वापस यहां से नीचे आया था, वापस यहां से नीचे आया हुआ है। तो यहां पर बहुत कोशिश की है मार्केट ने जाने की, बहुत बार कोशिश कर चुका है मार्केट। यहां पर देखोगे मार्केट कंटिन्यूसली होल्ड किया, फिर यहां से मार्केट नीचे चला गया, राइट। अब सोचो अगर मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, तो यहां पर देखो वन वे मार्केट ऊपर गया, तो वन वे नीचे आया था, राइट। तो ये लेवल तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि मार्केट यहां से शार्प सेल हुआ है वापस से। तो ये लेवल वापस से बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनने वाला, सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला। वाई? क्योंकि बायर्स ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मार्केट को रोक नहीं पाए, फिर मार्केट को नीचे लेके आए, राइट। अंडरस्टैंड? फिर देखो, अब ये लेवल इंपॉर्टेंट बन जाएगा। वाई? क्योंकि बहुत बार बायर ने मार्केट को ट्राई किया ऊपर लेके जाने का, ऊपर लेके जाने का, ऊपर कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे, लेकिन वो लेके नहीं जा पाए एंड फिर मार्केट को नीचे गिरा दिया। तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर कहीं ना कहीं अभी बायर्स एक्टिव है, ये लेवल पे कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव होने वाले हैं। तो मार्केट अगर ये लेवल के पास आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, फिर सेलर एक्टिव हो जाएंगे, फिर मार्केट को नीचे खींच लेंगे। तो क्या हो जाएगा इससे, मार्केट यही रेंज में फंसने की ट्राई करेगा, मिनिमम ये इस रेंज में रहने की ट्राई करेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई साइड भी एक ब्रेकआउट ना दे। तब ये ब्रेकआउट कब दे सकता है, अब ये पहली बार क्या करेगा, यहां पर आएगा, यहां पर आने के बाद रुकेगा, टाइम स्पेंड करेगा, टाइम स्पेंड करने के बाद ये क्या करेगा, ये फिर थोड़ा सा नीचे जाने की ट्राई करेगा। आपको दिखाएगा कि मैं नीचे जा रहा हूं, लेकिन ये सडन एक अपसाइड मोमेंटम करेगा, देख लेना आज पूरे दिन में, सडन एक अपसाइड मोमेंटम करेगा। फिर जैसे ऊपर जाएगा, आप सबको लगेगा मार्केट ऊपर जाने वाला है, आप बाय करने में आओगे, ये वापस नीचे गिर जाएगा, देख लेना मेरा हर एक वर्ड आज का जो भी मैं बोल रखा हूं ना, जो जाकर चार्ट पे देखना है अप्लाई करके। नॉर्मली मुझे जितना पता है उतना इस तरीके से कुछ बन सकता है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं रॉन्ग 100% हो सकता हूं, यहां पर कोई भी 100% राइट नहीं होता है। तो ये जो लेवल्स आपको मैं बता रहा हूं, सारी चीजें अंडरस्टैंड कर रहा हूं, उसको आपको अच्छे से बस समझना है। तो मेरे लिए अभी फिलहाल क्या है, ये मैं पुट शॉर्ट्स करके बैठूंगा, ऑलरेडी मैं अभी कॉल ओपन होने के बाद मैंने कॉल ऊपर के शॉर्ट करके रखे, अब ये पुट शॉर्ट्स करके रखूंगा एंड इसी के बीच में मार्केट आज का होल्ड करूंगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है हमारी। तो ऑब्वियस से बात है, नॉर्मली मैंने कल भी बताया था, नॉर्मली मार्केट एक्सपायरी के पहले ऐसे मोमेंटम से बाहर नहीं निकलता, ये कहीं ना कहीं इसी के बीच में रह जाता है और एक्सपायरी के दिन ही निकल जाता है। तो होप आज इस वीडियो में आपको मजा आया होगा, क्योंकि इतने डिटेल्स में, इतने डिप्थ ऑफ में कोई नहीं, कहीं पर भी नहीं, किसी भी नहीं बताने वाला, आई एम डैम श्योर। तो आपको अगर ये सारी चीजों का एक साथ बंडल अगर सीखना है, तो आपको पूरी लर्निंग फोकस करना पड़ेगा, जो 11 डेज का क्लासेस रहता है उस पर अगर आप चलते हो ना हमारे साथ, तो आपको ये सारी चीजें एक टाइम में समझ में आती है एंड उसको कैसे अप्लाई करना, कब अप्लाई करना है, सारी चीजों का बंडल आपको समझ आता है। होप आपको मजा आया हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।